तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को कि ये जनरली बच्चों को डाउट में आ जाता है ये प्रॉब्लम। ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका मास दिया हुआ है और रेडियस भी दिया हुआ है और वो फेंका जाता है सरफेस पे। यहाँ एक आदमी था मान लो, दिस इज द ऑब्जर्वर, और इस ऑब्जर्वर के जो हाथ में था वो एक डिस्क था। इसने गुस्सा आया और इस डिस्क को फेंक दिया, ठीक है। तो ये डिस्क फेंक दिया, कितनी वेलोसिटी से फेंक दिया? वो 18 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, ठीक है। तो जब सरफेस पे फेंक दिया भाई डिस्क है, तो लीनियर वेलोसिटी दिया, फ्रिक्शन यहाँ लगने लगेगा, यहाँ इस डायरेक्शन में यहाँ पे फ्रिक्शन लगने लगेगा, और डिस्क इस डायरेक्शन में यहाँ पे फ्रिक्शन लगने लगेगा, और शुरू शुरू में टी इज इक्वल टू जीरो पे डिस्क स्लाइड करेगा, ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट स्लाइड करेगा फ्रिक्शन। जैसे ही फ्रिक्शन इधर आएगा, ठीक है, स्टैटिक, एक ऐसा समय आ जाएगा कि ये मतलब धीरे धीरे जो है ये फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब प्योर रोलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो प्योर रोलिंग के केस में ये सरफेस पे फ्रिक्शन वैनिश हो जाएगा। तो शुरू शुरू में यहाँ तक, जब तक प्योर रोलिंग नहीं हुआ तब तक तो फ्रिक्शन लगेगा ना भाई, तो तब तक फ्रिक्शन लगेगा और तब तक स्लाइडिंग होगी, और ये इस फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क क्रिएट हो जाएगा और ये इसको ओमेगा से घुमाएगा। तो इसके पास दो दो वेलोसिटी आ गई, एक एंगुलर वेलोसिटी आ गई, एक लीनियर वेलोसिटी आ गई, ठीक है। तो अगर मुझे इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना हो यहाँ पर, तो यहाँ से कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है और ये आ जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो 18 मीटर पर सेकेंड नहीं होगी, वो पता नहीं कितना होगी। जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो उस वक्त फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तो ये जो वेलोसिटी होगी वो मुझे निकालना पड़ेगा मेरे भाई। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है वो भी नहीं पता है, ओमेगा कितना है वो भी नहीं पता है, और ये सारी चीज़ें डेटा आपने को दिया हुआ है, रेडियस वगैरह दिया हुआ आर। तो सबसे पहले अगर मुझे इसकी काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द सिचुएशन ए, दिस इज सिचुएशन बी, जब प्योर रोलिंग हो रहा है, तो मुझे ए बी सिचुएशन तक पहुंचने में लीनियर वेलोसिटी कितनी हुई वो पहले मैं वेलोसिटी भी कैलकुलेट करता हूँ। तो सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तो इस डिस्क ए सिचुएशन पे, तो ए सिचुएशन पे डिस्क पे जो फ्रिक्शन है वो इधर की डायरेक्शन में लग रहा है, और इस फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू एन, और म्यू एन की वैल्यू एम जी, और इस यही इसको रिटार्ड करेगा एम में, तो एम में, तो यहाँ से रिटार्डेशन आ जाएगा म्यू जी। इस रिटार्डेशन की वजह से जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो भी ऑब्वियसली 18 से कम आएगा। तो देख लेते हैं कितना आएगा, तो भी इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा देता हूँ एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास कांस्टेंट रिटार्डेशन है, तो भी इज इक्वल टू यू कितना से प्रोजेक्ट हुआ था 18 से, रिटार्डेशन है तो ये म्यू जी, और टाइम 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट करता है, तो यह आ जाएगा 18 माइनस 2, और यहाँ से म्यू की वैल्यू डाल दो तो म्यू की वैल्यू 0.3 और जी की वैल्यू 10, तो ये 0.3 ने इसको ख़त्म कर दिया, तो यह आ जाएगा 18 माइनस 6, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली देखो जो स्पीड है वो 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, कम हो जाएगा कहाँ पर, बी पोजीशन पे, 8B, तो बी पोजीशन पे इतनी स्पीड आ जाएगी। तो जब तुम्हें स्पीड, हमें क्या लिखना भाई, काइनेटिक एनर्जी लिखना, बी पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी लिखना। तो अगर मैं बी पोजीशन पे इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूँ, तो बी पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद दो दो तरह का मोशन है, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन। तो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन की बात करोगे तो ये आ जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर, और रोटेशन की बात करोगे तो हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। तो यहाँ से बात करोगे तो हाफ एम बी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा प्लस हाफ आई, तो आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द डिस्क खुद की एक्सिस पे भाई, तो डिस्क का क्या होता है भाई, एम आर स्क्वायर बाई टू, और ओमेगा की वैल्यू बी स्क्वायर आर स्क्वायर, क्योंकि बी अपन आर है, तो इस आर स्क्वायर ने इस आर स्क्वायर काट दिया, तो यहाँ से आ जाएगा एम बी स्क्वायर, ठीक है, 3 MB² 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, तो 3 MB² / 4, दैट इज नथिंग, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्योर रोलिंग। तो ये ही वाली काइनेटिक एनर्जी है। अब हमें क्या करना है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस काइनेटिक एनर्जी की सबकी वैल्यू डाल दो,
मास ऑफ द डिस्क कितना था, तो मास ऑफ द डिस्क 0.5 था, ठीक है। और स्पीड, स्पीड अभी कितना है, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 और डिवाइडेड बाई यहाँ से 4 कर दो, तो 4 से 12 तो ये 3 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 9 और मल्टीप्लाइड बाई ये 6, ठीक है। और 54 जूल, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी व्हेन द प्योर रोलिंग स्टार्ट। तो 54 जूल इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो है वो 54 जूल यहाँ भरा जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो।